नमोस्तु आचार्य श्री। दिनेश चंद जैन अलवर से अपनी शंका रख रहे हैं। एक क्षेत्रावगाह बंद के विषय में समझाने की कृपा करें। एक क्षेत्र अवगाह, अवगाह मतलब होता है स्थान। एक क्षेत्र का स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक द्रव्य एक ही स्थान पर रहें, अवगाह करें, अर्थात वहाँ पर रहें, एक साथ रहें, लेकिन फिर भी एक दूसरे में प्रवेश ना करें, उसको एक क्षेत्र अवगाह कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दूध में जल मिलाया, तो जल कितने स्थान पर है? जितने स्थान पर दूध है उतने स्थान पर जल है। पूरे एक गिलास में अपन ने दूध जल को मिक्स कर दिया, तो दूध और जल कैसे हैं? एक क्षेत्र अवगाह है, जो एक ही क्षेत्र में अवगाहित हैं, अवकाश एक दूसरे को दिए हुए हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर गए। जल दूध नहीं बन गया और दूध जल नहीं बना। ऐसे ही शरीर और आत्मा कर्म एक क्षेत्र अवगाहे हैं, लेकिन फिर भी चेतना चेतना है और कर्म कर्म है, शरीर शरीर है। जो आकाश का जो प्रदेश है वहाँ पर पुद्गल भी है, जीव भी है, धर्म भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश भी है, पुद्गल भी है। ये सब एक स्थान पर होते हुए भी एक क्षेत्र अवगाह रूप से रह सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से क्या है, प्रवेश करके एक म एक नहीं हो जाते हैं। इसी का नाम एक क्षेत्र अवगाह है। नमोस्तु आचार्य श्री। अनीता जैन महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर के कितने काल बाद अवसर्पणी के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए? उस सर्पणी के चतुर्थ काल में के अंतिम जो तीर्थंकर होंगे उनके बाद निर्माण हो जाने के बाद फिर भोगभूमि काल चालू हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ काल समाप्त हो जाएगा। तो उल्टे क्रम में चल रहा है, तो चतुर्थ काल समाप्त हुआ तो फिर तीसरा काल, फिर दूसरा काल और फिर पहला काल। इस प्रकार से तीन काल भोगभूमि के चलेंगे। फिर अवसर्पणी में फिर पहला काल, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल। इस प्रकार से भोग भूमि के कितने काल हो गए देखा जाए तो छह काल हो गए, छह काल हो गए। अब छह काल का आप प्रमाण निकाल लीजिए। जो प्रथम भोग भूमि का काल होता है वो चार कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा जो भोग भूमि का काल होता है वो तीन कोड़ा कोड़ी सागर का, और जो तीसरा जो भोग भूमि काल होता है वो दो कोड़ा कोड़ी सागर का। इस प्रकार से तीनों कालों का समय कितना होता है? नौ कोड़ा कोड़ी सागर। तो नौ कोड़ा कोड़ी सागर जो है अवसर्पणी काल के, और नौ कोड़ा कोड़ी सागर जो है वो उत्सर्पणी काल के। इस प्रकार से 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीत जाने के बाद जो है आदिनाथ भगवान का यहाँ पर जन्म हुआ इस अवसर्पणी काल में। नमोस्तु आचार्य श्री। उषा भालचंद सातपुते कारंजा से अपनी शंका रख रही हैं। पुराने जमाने में जब जैन धर्म को लुप्त करने की लोगों ने कोशिश की, तब जैन श्रावकों ने मूर्तियों को जमीन में, कुएं में, तालाब में आदि आदि जगह गाड़ दिया, और अब वह मूर्तियां निकल रही हैं, तो इसमें क्या अतिशय है? धर्म के विद्रोहियों ने समय समय पर जैन धर्म पर, जैन संस्कृति पर आक्रमण किए, और जिसके कारण हमारे श्रद्धावान जो श्रावक रहे उन्होंने अपनी इस संस्कृति, इस अपनी धरोहर को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। जैसे वो मंदिर तोड़ने आते थे, प्रतिमाएं तोड़ने आते थे, तो हमारे श्रावक गण क्या करते? उन प्रतिमाओं को किसी भी प्रकार से या तो नीचे तलघरों में, मंदिर में तलघर बनते थे उन तलघरों में, और जहाँ तलघर नहीं होते थे तो वो जमीन आदि में रख देते थे, गाड़ देते थे, ऐसा शब्द नहीं बोलने का। वो जमीन में बड़े भक्ति भाव से क्षमा मांगते हुए, प्रायश्चित लेते हुए, हे प्रभु हमें क्षमा करना, यह हमसे ऐसा कार्य किया जा रहा है। और जितने भी देवी देवता गण हैं, जो यक्ष यक्षिणी गण हैं, वह इन प्रतिमाओं का संरक्षण करें, इनकी रक्षा करें, और समय आने पर
यह प्रतिमाएं श्रावक के लिए दर्शन के कारण बने, ऐसी मंगल भावना से उन्होंने इन प्रतिमाओं को छिपाया था, रखा था उन आक्रमणकारी लोगों से बचाने के लिए। इतनी पवित्र भावनाएं उनके अंदर थीं और वही पवित्र भावनाओं का फल आज हमारे सामने जो निकल के आ रहा है कि जगह जगह पर वह प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं, अश्वकारी प्रतिमाएं हैं, देव रक्षित प्रतिमाएं हैं, वो निकल के आ रहे हैं। निश्चित ही हमारा पुण्य का उदय, वहाँ के लोगों का भाग्य का उदय कि ऐसी अद्भुत अस्यकारी जो प्रतिमाएं हैं सामने प्रकट होती हैं, स्वप्न देकर के प्रकट होती हैं, या किसी व्यक्ति के भाग्य से वह प्रतिमा बाहर निकलती है, यही एक अस्य होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यह प्रतिमाएं जो हैं निकल रही हैं, प्राचीन प्रतिमाएं, वही अस्यकारी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम समय में अपनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं या धन आदि अर्जन आदि करना चाहते हैं, तो लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं। कभी भी ऐसा काम न करें, ये महापाप है। देखो, जो पहले श्रावकों ने जमीन के अंदर रखी, वो तो उन्हें बहुत भक्ति भाव से संरक्षा के लिए रखी गई है, लेकिन तुम प्रतिमा को जानबूझ करके जमीन के अंदर गाड़ो, जैसे मैं गाड़ना ही कहूँगा, उसे गाड़ो, उसको रखो, और सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने के लिए, ये महापाप है। भगवान को जमीन आदि में जानबूझ करके अंदर रखना, गाड़ना और उससे धर्म प्रभावना की बात करना, ये महापाप है। और ऐसे महापापी लोग जो हैं दुर्गति को प्राप्त होते हैं, जिन्हें भगवान की अवहेलना है, जिन्हें भगवान की बहुत बड़ी अनादर है, अविनय है, और इस अनादर अविनय का बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा प्राश्चित है, वो कितने भाव में धुलेगा ये सोच भी नहीं सकते। नमोस्तु आचार्य श्री। वैशाली जैन अमरावती महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। अगर सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता है तो क्या स्त्री पर्याय मिलने पर हम सम्यक दर्शन नहीं हो सकते? सम्यक दर्शन के प्रभाव से यदि सम्यक दर्शन पूर्वक मरण होता है तो निश्चित ही स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता है। लेकिन यदि आप किसी कारण मायाचार्य आदि परिणाम से स्त्री पर्याय को प्राप्त हुए हैं तो स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, भेद ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, सौ पर का ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्रकट कीजिए, सच्ची श्रद्धा वस्तु स्वरूप को जानिए, वस्तु तत्व का निर्णय कीजिए, और इस सम्यक दर्शन के प्रभाव से वर्तमान में तुम यदि मरण आदि करते हो तो फिर तुमको स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं होगी, देव आदि पर्याय को प्राप्त होकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर अंकित परवाल सारंगपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, स्वयं के गुणों का आकलन कैसे करें? आप अपने आप के प्रति ईमानदारी बने, यही गुणों का आकलन है। यदि आप अपने आप में ईमानदार हैं, धर्म करने में या जॉब करने में या किसी की नौकरी करने में, आप अंदर से बेईमान नहीं हैं, यही से आपका गुणों का आकलन हो जाता है। यदि आप किसी के साथ दगा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो वो दूसरों के साथ नहीं दे रहे हैं, अपने साथ दे रहे हैं। आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो इसमें किसका जो है नुकसान है? अपना ही नुकसान है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगम धारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।